हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज के आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपका दिन प्रॉफिटेबल था तो आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है। आज हमारी कोई एंट्री नहीं हुई है मार्केट्स में। जो भी लेवल्स हमने दिए थे कल के लिए मार्केट में, वो आज कोई भी एक्टिव नहीं हुए। ओवरऑल मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई है सब जगह पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम खोल के देखें, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी है। ओवरऑल मार्केट बहुत ही छोटे रेंज के अंदर आज पैक था। ऑप्शन बायर्स के लिए कोई दिन ही नहीं था आज, क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं था। बहुत ही शॉर्ट रेंज में मार्केट घूम रहा था। और डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली दिख रहा है एक इनसाइड कैंडल सेटअप बने जा रहा है यहाँ पे फिन निफ्टी में। ये एक इनसाइड कैंडल सेटअप का, उसके अंदर एक और इनसाइड कैंडल बना है, और वही सेम बैंक निफ्टी में भी एक इनसाइड कैंडल सेटअप बना है, और सेम निफ्टी में भी एक इनसाइड कैंडल सेटअप बना है। तो कल देखते हैं, कल इस हमें अच्छे मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं तब तक कल के लिए हम क्या लेवल्स रख सकते हैं और कल के लिए क्या टारगेट्स रख सकते हैं। उसके पहले अगर आपको ये दिए गए लेवल्स पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आप कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना करें। चलिए देखते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कल के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। जैसे कि आज मैंने आपको बताया, हमारा कोई भी लेवल एक्टिव नहीं हुआ, मार्केट काफ़ी चौपी था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही रहा, इसीलिए आज हमने कोई ट्रेड भी नहीं किया, ना हमने प्रीमियम में कोई ट्रेड दिया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ मूवमेंट ही नहीं था मार्केट में। ये दो मूव आए थे, वो भी एक फेक ब्रेकडाउन था, और वही कैप्चर किया होगा अगर किसी ने तो किया है। बाकी आज ओवरऑल ऑप्शन बायर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऑप्शन सेलर्स का दिन था आज। चलिए देखते हैं कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और क्या टारगेट्स लेके चल सकते हैं। चलिए देखते हैं कल के लिए हमारी एंट्री होगी अबाउट द लेवल, अपसाइड में हमारी एंट्री निफ्टी में होगी अबाउट द लेवल ऑफ 19,794 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन हम इसमें एंटर करेंगे, वरना हम इस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,838 का, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,899 का, और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,946 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूंगा इस ट्रेड में विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,578। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,527 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,488 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,444 का। ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉर निफ्टी वो अनचेंज रहा है। और अपसाइड में हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेकर एंटर करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। अपसाइड में हम 19,800 का कॉल लेकर एंटर कर सकते हैं अपसाइड में, और डाउन साइड में हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेकर चलेंगे वो होगी 19,600 की पुट लेकर हम चल सकते हैं डाउन साइड में। ऑलराइट, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम क्या लेवल्स है और क्या हुआ आज। बैंक निफ्टी भी ओवरऑल साइडवेज ही था, आज कोई मूवमेंट नहीं था मार्केट में। तो हमारे जो लेवल्स है वो अनटच थे, तो हम यही लेवल्स लेके चले गए कल के लिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो हमारी एंट्री अपसाइड में होगी, अपसाइड में होगी एंट्री अबाउट द लेवल ऑफ 45,045 विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 45,167 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 45,271 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 45,383 का। डाउन साइड में मैं एंटर करूंगा विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 44,492, मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 44,396 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 44,279 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 44,148 का। स्ट्राइक प्राइसेस जो हम लेकर चले गए अपसाइड और डाउन साइड में वो होगी, अपसाइड में हम जो स्ट्राइक प्राइस लेकर चले गए वो होगी 45,000 की कॉल, और डाउन साइड में हम जो लेकर चले गए वो होगी 44,500 की पुट। चलिए फिन निफ्टी में देखते हैं फिन निफ्टी में हम क्या सेटअप लेके चल सकते हैं कल के लिए। फिन निफ्टी में भी हमारा कोई लेवल एक्टिव नहीं हुआ। फिन निफ्टी का भी आज मार्केट, फिन निफ्टी भी ओवरऑल साइडवेज ही था। ऑप्शन बायर का दिन नहीं था आज, ऑप्शन सेलर्स ने ही पैसे बनाए। ऑप्शन बायर्स ने अगर इस मार्केट में ट्रेड किया है तो उन्होंने लॉसेस ही देखे हैं। तो अगर आपने आज ट्रेड नहीं किया और आज हमारी कोई लेवल्स एक्टिव नहीं हुए तो अच्छा है, हमने हमारा कैपिटल सेव किया। चलिए देखते हैं अपसाइड में हम कहाँ पे एंटर करेंगे। अपसाइड में हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना हम स्ट्रेट में एंटर नहीं करेंगे। अबाउट द लेवल ऑफ 19,925 मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,998 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 20,066 का, मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 20,122 का। डाउन साइड में हम एंटर करेंगे विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, वरना हम स्ट्रेट में एंटर नहीं करेंगे। मेरी एंट्री होगी बिलो द लेवल ऑफ 19,673, मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 19,605 का, मेरा दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,550 का, और मेरा तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,490 का।
स्ट्राइक प्राइसेस हम कौन सी लेकर चले गए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अपसाइड में हम लेकर चले गए 19,900 की कॉल, ऑलराइट, और डाउन साइड में हम लेकर चले गए 19,700 की पुट, ऑलराइट। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए, देखते हैं मार्केट में ये प्लान ऑफ एक्शन चलता है कि नहीं चलता है, और अगर नहीं चलता है तो हम डिस्कस करेंगे कल के दिन कि क्यों नहीं चला, और थर्सडे जो हमारी एक्सपायरी है हम उसके एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे कल के दिन। तो तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।